गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव एंड दिस इज द एक्सरसाइज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल सेशन 10, एज यू कैन सी हियर। तो चलिए शुरू करते हैं और ये हमारा है पहला सेगमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट। देखें बच्चों और बताएं इसमें कौन सा आंसर आपका बेस्ट होगा। ऑन सैटरडे आफ्टरनून कर्नल आशुतोष शर्मा ऑफ 21 राष्ट्रीय राइफल्स मेजर अनुशोद नायक राजेश कुमार, नेक्स्ट में रिसीविंग इंटेलिजेंस दैट टेररिस्ट वर प्रेजेंट इन अ हाउस इन अ चंगीमुल्ला विलेज एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी एंड पॉसिबली अदर्स रीच्ड द साइट विच हैड अ बिल्डिंग एंड अ काउशेड एडजॉइनिंग इट। जोड़ें बच्चों, कैसे इनको अरेंज करेंगे आप बताएं हमको। जो भी बच्चे अभी अभी आ रहे हो, बच्चे लाइक कमेंट और शेयर करते जाएं ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ते जाएं। ऑन सैटरडे आफ्टरनून कर्नल आशुतोष शर्मा ऑफ 21 राष्ट्रीय राइफल्स मेजर अनुशोद नायक राजेश कुमार ये लेना चाहेंगे, या ऑन सैटरडे आफ्टरनून रिसीविंग इंटेलिजेंस दैट टेररिस्ट वर प्रेजेंट इन अ हाउस इन चंगीमुल्ला विलेज ये लेना चाहेंगे, या ऑन सैटरडे आफ्टरनून एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तो कभी शायद हो ही नहीं सकता है, तो इसका मैटर ही हम लोग फिनिश करते हैं, ये कभी नहीं होगा। और ऑन सैटरडे आफ्टरनून रीच्ड द साइट, यानी आर और एस से कभी कोई वाक्य शुरू हो सकता है इसे बच्चों, कभी नहीं। तो आर और एस से, तो आर से तो एक है आपका, ये पोर्शन आपका फिनिश हो जाए, यानी हम जो बी ऑप्शन है वो कभी नहीं चूज कर सकते हैं। बाकी में आप देखें, अपना कॉमन सेंस लगाएं, क्या बेस्ट रहेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा, पी लेना चाहेंगे पहले या क्यू लेना चाहेंगे। ये लेना चाहेंगे कि ऑन सैटरडे आफ्टरनून कर्नल आशुतोष शर्मा ऑफ 21 राष्ट्रीय राइफल्स मेजर अनुशोद नायक राजेश कुमार रिसीविंग इंटेलिजेंस दैट रिसीविंग इंटेलिजेंस, ये पहले लेना चाहेंगे या पी पहले लेना चाहेंगे। पहले आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य शुरू करना चाहेंगे या उनके वाक्य के मतलब सब्जेक्ट के बगल में रखना चाहेंगे, लेकिन आप ये ले नहीं सकते हैं बच्चों पी पहले, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी से आपका आर भी जुड़ा हुआ है, यानी कभी भी आपका पहले पी नहीं आ सकता है, या तो पी और आर एक साथ लें फिर क्यू लें आप, तब हो सकता है, तो फिर पी आर क्यू किसी में है नहीं आपके, इसलिए ये मैटर ख़त्म करते हैं कि वाक्य पी से शुरू होगा। फिर वाक्य शुरू किससे होगा, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य शुरू होता है, ऐसे जैसे कोई कहे आपसे वॉकिंग होम ही वॉज वेरी सैड, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे, तो पहला आपका क्यू हो जाएगा। तो आप और खोजें, उससे पहले देख लें कि क्यू से कितने ऑप्शंस हैं, ये तो पहले ही खारिज हो चुका था आपका, और ये ऑप्शन और डी ऑप्शन दो, तो फिर ये भी खारिज करते हैं। अब हमारे पास है ए और डी, एक में क्यू के बाद पी है और एक में क्यू के बाद आर है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्यू ले लेते हैं, ऑन सैटरडे आफ्टरनून रिसीविंग इंटेलिजेंस दैट टेररिस्ट वर प्रेजेंट इन अ हाउस इन चंगीमुल्ला विलेज, क्या इसके बाद आर आएगा, एंड जे एंड के पुलिस जम्मू और कश्मीर के पुलिस आएगा बच्चों, नहीं, क्यू के बाद आर नहीं आएगा, और क्यू के बाद आर नहीं आएगा इसलिए किसी और की जान ले लेगा, किसकी, इसके। अब आपके पास हो गया आंसर बच्चों, क्यू के बाद क्या आएगा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट में उल्टा लगा दिया यहाँ पे, क्यू के बाद आर नहीं आएगा मीन्स ये नहीं आएगा बच्चों, ये मैटर खत्म, यहाँ तो क्यू के बाद पी है आपका, तो फिर क्यू के बाद पी वाला आंसर आपका यहाँ पर क्लियर है कि क्यू पी आर एस हो जाएगा। कैसे देखें आप, ऑन सैटरडे आफ्टरनून पहले क्यू लिया, रिसीविंग इंटेलिजेंस यानी एक गोपनीय सूचना मिलने पर दैट की टेररिस्ट वर प्रेजेंट इन अ हाउस, टेररिस्ट एक घर में प्रेजेंट है इन चंगीमुल्ला विलेज, कहाँ, चंगीमुल्ला विलेज में, ठीक है। अब जब उन्होंने ये सूचना पाई किन्होंने, तब कर्नल आशुतोष शर्मा ऑफ 21 राष्ट्रीय राइफल्स मेजर अनुशोद नायक राजेश कुमार एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी,
यानी जब भी आएगा पी के बाद आर आएगा, तो देख लें पी के बाद यहां पर आर है बच्चे, ठीक है। इसलिए आपका ए ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। एक और चीज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्लू लेना चाहेंगे, जब भी आएगा एस लास्ट में आएगा, आएगा ना, क्योंकि रीच द साइट और उस साइट के बारे में बताया गया है विच हैड अ बिल्डिंग, तो एस किस में लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में है, इसलिए यही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये पी क्यू आर एस में है, अरेंज करिए इन्हें आप। एंड देर वॉज अ फ्रेश फायर फाइट बट नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द कर्नल एंड हिज टीम दे एंटर्ड द हाउस। पढ़ते ही आप समझ गए होंगे बच्चों, पहला कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए, कौन सा ऑप्शन बच्चों, सबसे पहले कौन सा आएगा, यही आएगा ना, सब्जेक्ट आपका दे एंटर्ड द हाउस। तो अगर दे एंटर्ड द हाउस आएगा तो फिर एस तो तीन में है, लेकिन फिर भी एक हटा देते हैं। अब ये तीन में, एक में एस के बाद क्यू, एक में एस के बाद आर, एक में एस के बाद पी, सब अलग अलग है। तो ये क्लियर है कि दे एंटर्ड द हाउस, उन्होंने घर में प्रवेश किया। अब इसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम द कर्नल एंड हिज टीम, कभी नहीं होगा। तो उन्होंने प्रवेश किया बट नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द कर्नल एंड हिज टीम एंड देयर वाज, नहीं कभी नहीं आएगा। इसका मतलब आपके एस के बाद क्या आएगा बच्चों, ये आएगा ए, मतलब पी वाला आ जाएगा। तो अगर दे एंटर्ड द हाउस एंड और, सही है, अगली क्लास आपकी शुरू हो रही है, एंड देयर वाज अ फ्रेश फायर फाइट, यानी एस के बाद पी आएगा। हो गया आंसर बच्चों, आप आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हो जाएगा। और अगर आपने पढ़ा हुआ एडिटोरियल तो आपको याद होगा कि दे एंटर्ड द हाउस, उन्होंने घर में प्रवेश किया, एंड देयर वाज अ फ्रेश फायर, और फिर से वहां गोलीबारी होने लगी, बट लेकिन नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द कर्नल एंड हिज टीम, लेकिन कर्नल और हिज टीम के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। ओके चलिए, ये लास्ट आपका सेगमेंट का है, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन पर देखें बच्चों, अच्छे से पढ़ें, अपनी कोशिश करें, आप मिला ले रहे हैं कि नहीं देखें, समय दे रहा हूं मैं बच्चों आपको। धीरे धीरे देखें कि कौन सा पहले नहीं आ सकता है, एलिमिनेशन राउंड सीख लें। तो अगर आप एलिमिनेशन राउंड देखेंगे तो दैट गो ऑन तो पहले नहीं आएगा, विल हैव रेमिफिकेशंस तो कभी नहीं आएगा, ऑन फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ दिस काइंड या ऑन बोथ मोरल एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अब देखते हैं इन्हीं दो में से आएगा, आर और एस में से। तो द वे दिस ऑपरेशन एंडेड, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर आप जोड़ेंगे ना बच्चों, तो फिर मैंने यहां ध्यान ही दिया, इसमें से तो आ ही सकता है कोई भी। तो द वे दिस ऑपरेशन एंडेड, यानी जिस तरीके से इस ऑपरेशन का अंत हुआ, तो क्या दैट गो ऑन आ सकता है इसके बाद, दैट गो ऑन ऑल द टाइम इन द शेडोवी थिएटर ऑफ प्राग शिवा, नहीं। द वे जिस तरीके से यह ऑपरेशन का अंत हुआ, इस ऑपरेशन का, विल हैव रेमिफिकेशंस, उसके क्या रहेंगे बच्चों, असर रहेंगे, यानी पहले क्या आना चाहिए आपका सब्जेक्ट के बाद, ये क्यू आना चाहिए। कितने ऑप्शंस बच्चों हैं, क्यू दो ऑप्शन, तो आपकी आसानी क्या हो गई, अब यहां नहीं उलझना है आपको। तो क्यू के बाद एस और क्यू के बाद आर, अब आपके लिए आसान है, दोनों मिला लें। तो द वे दिस ऑपरेशन इंडेड विल हैव रेमिफिकेशंस ऑन फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ दिस काइंड ऑन बोथ मोरल एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या बच्चों आप इससे बेहतर लेना चाहेंगे कि द वे दिस ऑपरेशन इंडेड विल हैव रेमिफिकेशंस, रेमिफिकेशंस के बाद दैट गो ऑन तो नहीं आएगा, ठीक है, विल हैव रेमिफिकेशंस, प्रभाव पड़ेगा किन पर, ऑन बोथ, दोनों ही चीजों पर पड़ेगा, मोरल पे भी पड़ेगा और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर भी पड़ेगा। यानी आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्यू के बाद
एस आना चाहिए। और किस पर पड़ेगा बच्चों? ऑन फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ दिस काइंड, और दिस काइंड के लिए क्या लगाया गया बच्चों? दैट, है ना, ऑपरेशंस ऑफ दिस काइंड के लिए दैट, गो ऑन इन पी लास्ट में ही आएगा। और अगर पी लास्ट में आएगा तो इन क्यू वाले में लास्ट में, तो दोनों में पी है, तो हमको क्या करना होगा? पहला, द वे दिस ऑपरेशन एंडेड विल हैव रेमिफिकेशंस, क्यू के बाद क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। किसमें देखें? क्यू के बाद एस, ये है आपका ये क्यू के बाद एस, तो हो जाएगा द वे दिस ऑपरेशन एंडेड, जिस तरीके से ऑपरेशन समाप्त हुआ, विल हैव रेमिफिकेशंस, उसके उसका प्रभाव पड़ेगा ऑन बोथ, दोनों पर ही, किन पर? मोरल पे भी, यानी जो नैतिक बल होता है उस पर भी पड़ेगा, एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और जो हमारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, प्रक्रियाएं हैं ऑपरेट करने की, उस पर भी पड़ेगा, ऑन फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ दिस काइंड, और इस प्रकार के अभियानों पर भी पड़ेगा, जो अभियान गो ऑन है ना बच्चों, गो ऑन ऑल द टाइम, ये दैट जब भी आएगा बच्चों, किस पर आएगा? इसी ऑन फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू एस आर पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, फिर से अपने से भी करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये कॉमन एरर्स हैं उसी तर्ज पे, जहां मेरा टारगेट है कि आपको हर लेवल पे हर तरीके की गलतियां निकालने की क्षमता विकसित हो आप में। तो बताएं बच्चों, इसमें सारे में एरर हो सकती है, दो में हो सकती है, एक में हो सकती है, तो आप देखें और बताएं किस किस पार्ट में एरर्स हैं आपके पास। बोले बच्चों, इट इज़ अनयूजअली एंड डिसप्रपोर्शनेट, ये असामान्य और बेढंगा है। फॉर जस्ट अ कपल ऑफ टेररिस्ट, के केवल दो टेररिस्ट टू टेक डाउन फाइव हाई स्किल्ड एंड मोटिवेटेड सोल्जर्स, कि पांच हाई स्किल्ड और मोटिवेटेड सोल्जर्स को मार डालें, कहाँ गलत है बच्चों? आर एस में पहले पोर्शन में कोई गलती है? इट इज अनयूजअली बच्चों, कभी भी इज एम आर वाज वर के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लेने की कोशिश न करें एल वाई छोड़ करके, तो ये पहला गलत हो गया, इट इज अनयूजुअल होगा। एक और चीज समझने की है, यहाँ डिसप्रपोर्शनेट है, डिसप्रपोर्शनेटली नहीं है बच्चों, तो यहाँ अगर एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव ही रहेगा, और अगर यहाँ एडवर्ब होगा तो यहाँ भी एडवर्ब भी होना चाहिए, और एडवर्ब यहाँ हो नहीं सकता है। तो पहली गलती अनयूजुअल में हो गई, इट इज अनयूजुअल एंड डिसप्रपोर्शनेट फॉर जस्ट अ कपल ऑफ टेररिस्ट, अ कपल ऑफ बच्चों, दो थे टेररिस्ट ना, अगर दो टेररिस्ट थे तो टेररिस्ट कैसे होगा बच्चों? टेररिस्ट हो जाएगा, ओके, प्लूरल होगा। टू टेक डाउन फाइव हाई स्किल्ड एंड मोटिवेटेड सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या है बच्चों? नाउन, तो अगर नाउन है तो नाउन के पहले आपने क्या लिया? एक पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आपने एडजेक्टिव ले लिया, सही है, तो एंड के पहले भी एडजेक्टिव है, स्किल्ड भी एडजेक्टिव है, सही है, और इस एडजेक्टिव के पहले अब क्या होना चाहिए? एडवर्ब, तो क्या एडवर्ब है बच्चों? हाई, हाई तो एडवर्ब नहीं है, ये क्या यहाँ पे है? एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया, यहाँ हाईली स्किल्ड होगा न कि हाई स्किल्ड होगा, आपको एडवर्ब चाहिए, बहुत अधिक स्किल्ड, यानी हाईली स्किल्ड न कि हाई स्किल्ड होगा बच्चों, यानी हमारे इस पार्ट में भी अनयूजअली यूजुअल हो जाएगा, इस पार्ट में भी टेररिस्ट हो जाएगा, और इस पार्ट में भी हाईली हो जाएगा, तीनों पार्ट्स में एरर है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फिर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, जहां ए बी और सी तीनों में एरर्स आपको दिए गए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, और इसे चैलेंज के रूप में ले बच्चों, कि आप करके दिखाएंगे, मेहनत करें बच्चों, बोलें दूसरे में, द डिटेल्स ऑन ऑफर इज स्केची येट प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंसेस ऑफ एन ऑपरेशन, कहाँ कहाँ गलत है बच्चों? बोले कौन कौन से पार्ट्स में एरर्स हैं आपके? आसान होना चाहिए, आन से पहले द डिटेल्स है, यानी वर्ब जो आएगी वो डिटेल्स के अनुसार ही आएगी बच्चों, आएगी ना, तो डिटेल्स के अनुसार वर्ब है क्या? है क्या? नहीं, तो इज नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा।
आर स्केची येट प्रोवाइडर, सही है, येट प्रोवाइडर कंपेलिंग एविडेंसेज। बच्चों एविडेंस का प्लूरल नहीं बनाते आप, किसी जैसे कोई कहे नॉर्मल सेंस में सिंपैथीज, नॉर्मल सेंस में ना करें वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में, वैसे ही एविडेंस जो है वो आप प्लूरल नहीं बनाते हैं, एविडेंस होता है। जैसे एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होता नॉर्मली, वैसे एविडेंस का एविडेंसेज नहीं होता है। द डिटेल्स ऑन ऑफर आर स्केची येट प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंस रहेगा ना कि एविडेंसेस ऑफ एन ऑपरेशन, और वैसे भी एक ही ऑपरेशन है तो फिर एविडेंसेस की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यानी यहां कहां कहां एरर हो गया आपके पास, यहां इज में एरर हुआ और एविडेंसेस में, यानी बी में और सी में एरर है आपके, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये पोर्शन यानी डी आपका हो जाएगा यहां पर। चलिए बच्चों लास्ट ये है आपका कॉमन एरर का पार्ट, देखें बताएं कौन सी गलती है, किन में गलती है। देन देयर हैड बीन अ लल फॉर मोर देन अ आवर ड्यूरिंग विच द टीम अपेरेंटली डिसाइडेड टू अप्रोच द हाउस। बोले बच्चों कहां गलती है, बच्चों क्या पहले में कोई गलती है, पहले पोर्शन में, देन तब There had been of lull. Had been की आवश्यकता क्यों पड़ रही बच्चों, क्या इसलिए कि हाँ far है, नहीं बच्चों, ये far जो लगाया गया ये से के लिए नहीं लगाया गया कि इतने घंटे से या एक घंटे से, यहाँ far का मतलब है एक घंटे तक, और जब एक घंटे तक है तो आपको perfect या perfect continuous में जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप indefinite continuous में रहिए। तो एक घंटे तक क्या हुई, शांति रही, तो फिर यहां पे जहां पे आपने हैड बीन लिया है ना, ये पोर्शन आपका गलत, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, देयर वाज अ लल, क्या हो जाएगा बच्चों, वाज, यहां पर आपको क्या लेना होगा, वाज लेना होगा न कि आपको हैड बीन लेना होगा। तो देयर वाज अ लल फॉर मोर देन अ आवर, क्या दूसरे में कोई गलती है, फॉर मोर देन अ आवर प्रति आना चाहिए बच्चों आपको, आवर के पहले देखे क्या लगा है, ए लगेगा या एन लगेगा, क्या लगाना चाहेंगे, एन, विच द टीम अपेरेंटली डिसाइडेड, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के पहले क्या लगा है, एडवर्ब, सही है, अपेरेंट डिसाइडेड, डिसाइडेड के साथ इन्फिनिटिव आता है, सही है, डिसाइडेड टू अप्रोच द हाउस, यानी हमारे ए पार्ट और बी पार्ट में एरर है, यानी ये पोर्शन आपका क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है, बी पोर्शन ये। चलिए बच्चों नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का हमारा सेगमेंट है, और बताएं इसमें क्या एरर है, पहले में बिल्कुल आसान होना चाहिए बच्चों, दे वेंट देयर डैश डैश द टेररिस्ट, वो वहां गए, वहां वो गए तो उनका मकसद था टेररिस्ट पर फायर करना ना, और मकसद के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू फायर है यहाँ पे, लेकिन क्या फायर के साथ आन लगता है क्या, नहीं, फायर के साथ क्या लगाते हैं, फायर एट, तो अगर दे वेंट देयर टू फायर एट द टेररिस्ट, यानी उन आतंकवादियों पर गोली चलाने के लिए वो वहां गए, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इट इज सर्टेनली अ कोइंसिडेंस, ये निश्चित ही एक संजोग है, इत्तफाक है, दैट हैज नॉट गॉन, जो इत्तफाक हैज नॉट गॉन, अननोटिस्ड, नोटिसिंग, नॉट नोटिसिंग या अननोटिसिंग, बिल्कुल आसान है बच्चों, क्या होगा बच्चों, दैट हैज नॉट गॉन, क्या नोटिसिंग होगा, देखते हुए नहीं गया, नहीं, That has not gone unnoticing, देखते हुए नहीं गया, नहीं, That has not gone, और फिर यहां not noticing, नहीं, कभी होगा ही नहीं, हो गया आंसर बच्चों, That has not gone unnoticed, यानी ये निश्चित ही एक ऐसा इत्तफाक है, That has not gone unnoticed, यानी जो हमारी नोटिस में आने से बच नहीं सकता, यानी हर हाल में लोग इस पर क्या देंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। और ये लास्ट है आपका थर्ड पॉइंट आपका,
बोले कुछ। इट शुड बी एविडेंट, यानी ये अस्पष्ट हो जाना चाहिए बाय नाउ, अब तक, टू मोस्ट, अधिकतर लोगों को, दैट कि क्या चेंज्ड द नोमेनक्लेचर एंड स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, या टू चेंजिंग द नोमेनक्लेचर एंड स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या चेंजिंग द नोमेनक्लेचर एंड स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या टू हैव चेंज, क्या चेंज्ड होगा बच्चों, दैट चेंज्ड द नोमेनक्लेचर, कभी भी ऐसे आएगा नहीं, क्या टू के बाद ऐसी अवस्था में चेंजिंग आएगा नहीं, क्या टू हैव चेंज्ड होगा, दैट टू हैव चेंज्ड द नोमेनक्लेचर, नहीं, हो जाए बच्चों, जीरंड के रूप में क्या लेंगे आप, चेंजिंग रहेगा, इट शुड बी एविडेंट बाय नाउ, अब तक ये अस्पष्ट हो जाना चाहिए टू मोस्ट, अधिकतर लोगों को, दैट की चेंजिंग द नोमेनक्लेचर एंड स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू और कश्मीर के नोमेनक्लेचर को, अर्थात उसके नाम को, उसके स्टेटस को, मीन्स उसकी जो स्टेटस, उसका अवस्था जो उसकी है, उसे बदलना हैज नॉट एड्रेस्ड, यानी आपको सब्जेक्ट के रूप में चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इसमें केवल कौन आ सकता है, जीरंड यानी चेंजिंग आ सकता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आएगा बच्चों, और अब ये फ्रेजल वर्ब्स हमारी हैं, बताएं इसमें से कौन सा होगा, मिलाना है बच्चों आपको, बैंक ऑन का बेस्ट ऑप्शन क्या है, बियर आउट का क्या है, बियर विद का क्या है, बीप अप का क्या है, और ब्लो अप का क्या है, बोले बच्चों, मिला लें, पहले अपने से मिलाएं, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, तब आपको और समझ में आएगा, अपनी कोशिश कर लें पहले। बोले बच्चों देखते रहें, मिलाते रहें बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, बैंक ऑन, काउंट ऑन, और रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, सबके मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति पर निर्भर रहना, ये होगा ना, बेस योर होप्स ऑन समथिंग और समवन, निर्भर होना, बैंक ऑन मीन्स हो जाएगा। बियर आउट क्या हो जाएगा, बियर आउट मीन्स होता है प्रमाणित होना किसी चीज़ को, या प्रमाणित करना, तो प्रमाणित करना क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कन्फर्म। बियर विद क्या होता है, धैर्यवान होना, धैर्य रखना, बिल्कुल आसान, बियर विद का हो जाएगा बी पेशेंट। बीफ अप क्या होता है बच्चों, किसी चीज को और अधिक बेहतर बनाने के लिए जब आप उसमें सुधार करते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो आप बीफ अप करते हैं, दिस इज इंप्रूव, टू मेक मोर सब्सटेंशियल, किसी चीज को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए सुधार करना। तो ब्लो अप तो आप जानते होंगे, ब्लो अप मीन्स होता है एक्सप्लोजन के द्वारा, विस्फोट के द्वारा किसी चीज को उड़ा देना। लेकिन ब्लो अप और भी होता है बच्चों, जो आप समझ सकते हैं, एक ब्लो अप होता है जब आदमी बहुत अधिक क्रोधित हो जाए, गुस्सा हो जाए, वो भी ब्लो अप होता है। एक ब्लो अप होता है र्यूमर फैलाना, मीन्स किसी चीज की अफवाह फैलाना, और एक ब्लो अप होता है फूल जाना, मीन्स कहते हैं ना इन्फ्लेट कर जाना, यानी ब्लो अप मीन्स विस्फोट करके किसी चीज को उड़ा देना होता है, ब्लो अप फूल जाना होता है, ब्लो अप बहुत अधिक गुस्सा हो जाना, और ब्लो अप र्यूमर फैलाना होता है। तो अगर ब्लो अप मीन्स फूल जाना होता है बच्चों, तो ब्लो डाउन मीन्स हवा निकल जाना, मीन्स पिचक जाना भी होता है, याद रखिएगा। चलिए मिला लेंगे अब, बैंक ऑन का हो जाएगा बेस योर होप्स ऑन समथिंग और समवन, किसी चीज पर निर्भर होना, अपनी आशाएं रखना। बियर आउट प्रमाणित करना, किसी चीज को कन्फर्म करना। बियर विद बी पेशेंट होना, धैर्य रखना। बीफ अप इम्प्रूव करना, ताकि किसी चीज को और अधिक सब्सटेंशियल मीन्स महत्वपूर्ण बनाया जा सके। और ब्लो अप मीन्स किसी एक्सप्लोजन के द्वारा किसी चीज को उड़ा देना, क्रोधित हो जाना, र्यूमर फैलाना, या हवा, मतलब हवा जो होती है गुब्बारे वगैरह में हवा भरना, फूल जाना होता है, ठीक है। यूसेज देख लें इनके आप, ये है, हिंदी से समझेंगे तो और आएगा आपको। द अदर विटनेसेस विल बियर आउट माई टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मीन्स होता है सबूत, यानी जो अन्य गवाह हैं, विल बियर आउट, वो प्रमाणित करेंगे मेरी टेस्टिमनी को, यानी मेरे पास जो सबूत हैं वो उन्हें प्रमाणित करेंगे, बियर आउट करेंगे, ठीक है।
डोंट फॉरगेट द डेट, डेट को भूलना मत. क्यों? क्योंकि आई एम बैंकिंग ऑन योर होप, क्योंकि मैं तुम्हारी आशा पे क्या हूँ, निर्भर हूँ. बच्चों, किसी की आशा न तोड़ें हमेशा. अगर कोई आप पे भरोसा करता है, आपके माता पिता आपसे अपेक्षाएं करते हैं, तो उन्हें हमेशा पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मौका है आपको प्रूव करने का कि आपसे बेहतर कोई नहीं. ठीक है, अभी आपके पास वो वक्त नहीं है, दिक्कतें हैं, लॉकडाउन है, आगे वक्त आएगा जहाँ अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वार करिए अपनी कमजोरियों पर और बेहतर करके, बेस्ट करके दिखा दीजिए. चलिए, तो वो उनके जो बैंक ऑन कर रहे हैं, आप अकाउंट ऑन कर रहे हैं, डिपेंड ऑन कर रहे हैं, रिलाई ऑन कर रहे हैं, उसे बनाए रखने की कोशिश करें. नेक्स्ट वाक्य है आपका, प्लीज़ बियर विद मी प्लीज़, यानी कृपया मुझे सहन करें वाइल आई फिनिश माई एक्सप्लेनेशन, जब तक मैं अपना एक्सप्लेनेशन समाप्त कर लेता, जब तक मेरा एक्सप्लेनेशन समाप्त नहीं हो जाता है, प्लीज़ धैर्य क्या रखें मेरे साथ, बनाए रखें. She beefed up her presentation. उसने अपने प्रेजेंटेशन को, प्रस्तुति को और अधिक क्या कर दिया, सुधार कर दिया, उसे अच्छा बना दिया. कैसे? With diagrams, diagrams बना करके and statistics, और statistics के द्वारा, यानी diagram और statistics के द्वारा उसने अपनी प्रेजेंटेशन को beef up कर दिया, means उसके महत्व को, उसके अच्छाई को और बढ़ा दिया. द कार ब्लू अप, यानी वो कार विस्फोट से क्या हो गई, उड़ गई, बट लेकिन लकीली भाग्य से देर वॉज नो बडी इन इट, उनमें उस कार में कोई भी नहीं था. ठीक है बच्चों, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, जरूर तैयार करें. आपको सबसे अच्छा जरिया यही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा सोचते रहे सर फ्रेजल वर्ब कैसे तैयार होगी, तो ये मैंने एक अपॉर्चुनिटी दी है आपको, मेहनत करें और तैयार हो जाएगा. रेगुलर रिवीजन करें, डिस्कशन करें लोगों से, चलो बताओ बीफ अप क्या होता है, तो अगर वो नहीं बताएगा तो आप बताइए बीफ अप में सुधार करना, ताकि किसी चीज़ के महत्व को और अधिक बढ़ाया जा सके. ऐसे डिस्कशन करेंगे तो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से फ़ायदा होता है, बताने से फ़ायदा होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, ईडियम्स और फ्रेजेस हमारे हैं. कौन सा इसमें होगा आपका, बी ऑन क्लाउड 9, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ईट हम्बल पाई, ये भी इंपॉर्टेंट है. गेट अ रॉ डील, ठीक ठाक है. हैंड टू माउथ, बहुत इंपॉर्टेंट है. और हिट द बुल्स आई, ठीक ठाक है. यानी तीन तो जरूर आना चाहिए, बी ऑन क्लाउड 9, ईट हम्बल पाई और हैंड टू माउथ. लेकिन तैयार सब करें बच्चों, क्या दे दें वो, कब दे दें आपको, इसलिए पूरी तैयारी रखें. तो बी ऑन क्लाउड 9 क्या होता है बच्चों, बी ऑन क्लाउड 9 मीन्स बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना. बी ऑन क्लाउड 9 मीन्स बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना, तो मिला लेंगे बच्चों, बी वेरी हैप्पी. ईट हम्बल पाई क्या होता है, जब आपको अपनी गलती के कारण सार्वजनिक रूप से क्या मांगनी पड़ती है, क्षमा मांगनी पड़ती है, तो यू आर ईटिंग हम्बल पाई. बहुत बार होता है जैसे हमें नीचा देखना पड़ता, अपमानित होना पड़ता है, और लोगों के सामने हम्बल पाई करना होता है, ईट हम्बल पाई करना होता है, मीन्स सार्वजनिक रूप से हमको क्या मांगनी पड़ती है, क्षमा मांगनी पड़ती है. गेट अ रॉ डील, गेट अ रॉ डील बच्चों क्या होता है, मीन्स जैसे मान लीजिए आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा व्यवहार आपके साथ नहीं किया जा रहा है, या लोग दूसरों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा व्यवहार आपके साथ नहीं किया जा रहा है, तो यू आर गेटिंग अ रॉ डील. इसका मतलब आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है जैसा दूसरों के साथ किया जा रहा है. ठीक है, अगर आप इसे समझना चाहें तो और ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, मैं उसे समझा रहा हूँ. जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, उसी तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ प्राइवेट स्कूल्स में नहीं किया जाता है. यानी प्राइमरी स्कूल वाले जो बच्चे हैं, दे आर गेटिंग अ रॉ डील, उनके साथ सौतेला व्यवहार, अलग तरीके का व्यवहार किया जा रहा है. हैंड टू माउथ, यानी इतना ही हो कि वह हैंड टू माउथ कर सके, मीन्स अपनी आजीविका को निर्वहन कर सके. आप इंडिया में देख रहे होंगे जो फार्मर्स की कंडीशन है बच्चों, वो बहुत ख़राब है, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं. तो मीन्स क्या है, वो हैंड टू माउथ अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूर हैं, अर्थात जितनी ज़रूरतें हैं बस उनकी ज़रूरतें क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, उनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही हैं. दिस इज कॉल्ड हैंड टू माउथ या टू लिव हैंड टू माउथ. लास्ट है हिट द बुल्स आई. हिट द बुल्स आई मीन्स किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल सटीक होना, एग्जैक्टली राइट होना. ठीक है, मिलाएं.
तो क्लाउड नाइन, बी ऑन क्लाउड नाइन का क्या हो गया बच्चों? बी वेरी हैप्पी, सही है. ईट हम्बल पाई का क्या हो जाएगा? टू अपोलोजाइज हम्बली, यानी किसी से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगना, विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगना. गेट और रा डील क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल, यानी जब आपके साथ उतना अच्छा व्यवहार न किया जा सकता हो, किया जा रहा हो एज अदर पीपल, जितना दूसरों के साथ, तो यू आर गेटिंग अ रा डील. हैंड टू माउथ मीन्स बस गुजर बसर करना किसी तरह से, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा टू लिव ऑन वनली बेसिक नेसेसिटीज, अर्थात किसी तरह बस गुजर बसर आपकी हो जा रही है. और हिट द बुलसाई जो बचा वो हो जाएगा. हिट द बुलसाई मीन्स टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल सही होना, सटीक होना. चलिए ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और आसान हो जाएगा. देख लें, द फैक्ट इज दैट स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स गेट अ रॉ डील. समझ रहे, सच्चाई यही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं गेट अ रॉ डील, उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, अलग तरीके का व्यवहार होता है. ही विल हैव टू ईट हम्बल पाई, उसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी होगी फॉर द डिसरिस्पेक्ट, उस अनादर के लिए शोन टू द कैप्टन, जो अनादर उसने किसके प्रति दिखाया? कैप्टन. शोन पता है बच्चों ना, विच वॉज शोन टू द कैप्टन या विच ही हैड शोन टू द कैप्टन, ये सेंस है यहां पे. द सीवियर ड्रॉट, ये जो गंभीर सूखा है, लेट द फार्मर्स टू लिव हैंड टू माउथ, उसकी वजह से उन फार्मर्स को कैसा जीवन जीना पड़ा बच्चों? लिव हैंड टू माउथ मीन्स केवल अपनी जरूरतें भर वो क्या कर सकते थे? पूरी कर सकते थे. ही विल बी ऑन क्लाउड नाइन, यानी वो बहुत खुश हो जाएगा व्हेन हिज फर्स्ट आर्टिकल गेट्स पब्लिश्ड, जब उसका पहला आर्टिकल क्या हो जाएगा? पब्लिश्ड हो जाएगा, मीन्स प्रकाशित हो जाएगा. नेक्स्ट है द डिटेक्टिव हिट द बुलसाई, यानी वो जासूस जो था उसने बिल्कुल सही अनुमान लगाया. व्हेन ही फिगर्ड आउट, जब उसने ये अनुमान लगा लिया, इस निष्कर्ष पर पहुंच गया दैट की नोबडी बट द डॉक्टर, यानी नोबडी बट द डॉक्टर, यानी केवल डॉक्टर ही कुड हैव हैड एक्सेस टू द पॉइजन, केवल डॉक्टर ही उस पॉइजन तक अपनी पहुंच बना सकता था, इसलिए वह सीधे हिट द बुलसाई कर गया. मीन्स मामले को उसने अच्छी तरीके से समझ लिया उसने. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, छोटा सा सेगमेंट आपका. कैकोग्राफर कौन होता है? याद है आपको, कैकोग्राफी से बना है. कैकोग्राफी मीन्स जब आप गंदा लिखते हो, आपकी स्पेलिंग वगैरह अच्छी न हो, तो आप कैकोग्राफर होते हैं. तो कैकोग्राफर कौन हो जाएगा? वन हु इज बैड इन स्पेलिंग. सब मैं बच्चों अल्फाबेटिकली दे रहा हूँ आपको, तो आप चाहें तो अच्छे से इनको सब तैयार कर सकते हैं. चलिए कन्वर्सेंट, तो आपने एडिटोरियल में पढ़ा था ना, कन्वर्सेंट वो होता है जो कि सारी किसी बीमारी से उभर रहा हो, स्वास्थ्य प्राप्त कर रहा हो, तो क्या हो जाएगा कन्वर्सेंट का? वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस. काकेट कौन होते हैं बच्चों? काकेट वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के साथ फ्लर्ट करती हैं, मीन्स उनकी भावनाओं के साथ खेलती हैं, तो काकेट का क्या हो जाएगा? यही सामने हो गया, अ गर्ल आर वुमन हु फ्लर्ट्स विद अ मैन. कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है? जो पूरे विश्व को ही अपने देश के रूप में समझता है, विश्व प्रेमी होता है, तो कौन हो जाएगा बच्चों? कॉस्मोपॉलिटन. वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री. और साइनोसर कौन होता है? वो जो आकर्षण का केंद्र होता है, तो ये हो जाएगा वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे सी जोड़ लीजिएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा. एक मिनट बस, ये अट्रैक्शन हो गया. तो कैकोग्राफर जिसकी स्पेलिंग अच्छी ना हो, खराब लिखता हो. कन्वर्सेंट कौन है बच्चों? जो बीमार था लेकिन अब वो सही हो रहा हो, स्वास्थ्य प्राप्त कर रहा हो. कॉकेट कौन है? जो किसी के भावनाओं के साथ खेलती हों, फ्लर्ट करती हों. कॉस्मोपॉलिटन कौन है? जो पूरे विश्व को अपने देश के रूप में लेता हो. और साइनोसर या सेनोसर कौन है? जो आकर्षण का केंद्र होता है. और ये लास्ट सेगमेंट मेरा बिल्कुल आपके सामने है, सरोनेम्स के रूप में बस मैच करना है. अगर आपने एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ा है तो आप मैच कर सकते हैं. परकोलेट याद है आपको? परकोलेट. स्केची याद है? सॉलिडरिटी. वांटेज. कोइंसिडेंस. एंग्स्ट. डिटर. वैक्यूम.
रेमिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। ये रेमिफिकेशन और नोमेनक्लेचर वगैरह तो अभी आपने सेंटेंसेस में भी आपने देखे थे। परकोलेट क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ का धीरे धीरे फैलना, स्प्रेड ग्रेजुअली हो जाएगा बच्चों, ये धीरे धीरे फैलना। स्केची क्या होता है बच्चों? जो आधा अधूरा हो, पूर्ण न हो, धुंधला हो, अभी उसकी पूरी तस्वीर सामने न आ रही हो, रफली आउटलाइन किया गया हो। सॉलिडरिटी क्या होता है? एकजुटता होती है ना, एकजुटता, एकता, तो क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा। वांटेज का क्या होगा? वांटेज मीन्स होती है सहूलियत, लाभ, एक ऐसा पॉइंट जहां से आपको लाभ मिलने की आशा हो, सहूलियत हो जो आपके लिए, वो वांटेज है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कन्वीनियंस हो जाएगा, सहूलियत, सुविधा के रूप में। कोइंसिडेंस क्या होता है? इत्तफाक, अचानक जो चीज हो जाए, दिस इज हियर। कैजुअलनेस होता है ना, कैजुअल लीव होता है जब आप अचानक छुट्टी लेते हैं, वैसे कैजुअलनेस में सब जब अचानक कोई चीज हो जाए। एंग्स्ट क्या होता है बच्चों? नाराजगी, क्रोध जो होता है वो एंग्स्ट होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा एंग्स्ट का? है कहीं पे एंग्स्ट का? शायद मैंने नहीं दिया है, चलिए मैं देखता हूं। डिटर क्या होता है? रोकना, किसी पर रोक लगाए रखना, डिटेन हो जाएगा। वैक्यूम क्या होता है? खालीपन होता है बच्चों। क्या होता है? खालीपन, तो क्या हो जाएगा? एम्प्टीनेस हो जाएगा। रेमिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज का असर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इफेक्ट हो जाएगा। नोमेनक्लेचर क्या होता है? शब्दावली, किसी का नामकरण, तो टर्मिनोलॉजी हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है बच्चों? अनफिनिश्ड, किसका? एंग्स्ट का। नहीं बच्चों, एंग्स्ट का अनफिनिश्ड नहीं होगा, एक मिनट, हमने एक्चुअली स्केची का आपको दे दिया, एक मिनट जाइए, हम बना दे रहे हैं इसको। ये देखिए आपका है एंग्स्ट का, हो जाएगा आपका एंगर, मीन्स क्रोध, नाराजगी जो होती है वो आपका एंग्स्ट होता है। चलिए बच्चों, ये फिर से एक प्रयास है, ये 10 सेशन मेरे कंप्लीट हो गए कंटिन्यूअसली सब चलते चलते, और आप इन सारे 10 सेशंस को एक साथ करके चाहें तो आप यूज़ कर लें। वैसे मैंने बताया हुआ है शनिवार को जो आपका ये बैच रहेगा, ये बैच पूरा 6 से 7 या 6 से 8 जो भी रहेगा, मैं सारा रिविज़न कराऊँ, यानी जितने सेट्स मैंने अभी तक आपको कराए हैं सेशंस में, ये सारे मैं अपने हिसाब से मैं आपके पेपर वाइज बना करके आपको दूंगा। और एक चैलेंजिंग सेशन होगा कि 10 सेशंस से 11 सेशंस में आपने जो पढ़ा है उसमें से आपने कितना प्रिपेयर किया है। तो चलिए मिलते हैं अभी 7 बजे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। चलिए बच्चों, ध्यान रखिए अपना।